तो फ्रेंड चावला स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हम आज बात करेंगे जेपी पावर के लिए जयप्रकाश के बारे में दोस्तों। इसका क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला 13 तारीख को, पूरी डिटेल आ गई है। तो क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आएगा ये और कंपनी कैसी है उसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये 4.40 पर ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी ऑलमोस्ट 80% गिरी हुई है। पहले से 80% लो पर ये आपको शेयर मिल रहा है और इसकी फंडामेंटली चेक कर लेते हैं कैसे क्या है। यहाँ पे देख सकते हो सेलिंग ज़्यादा हो रही है। ये देख लो 5 रुपये 60 रुपये से को टच किया था 5.60 को, लेकिन अभी ये 4.80 पे मिल रहे हैं। पावर सेक्टर का क्षेत्र है, पावर सेक्टर के जो भी क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है ना वो अभी देखो नेगेटिव आ रहा है। और जो परफॉर्मेंस की बात करें देख लो एक वीक में ये पर देख लो ये कितना क्या है, मतलब अभी एक दो महीने से ये थोड़ा नेगेटिव दे रहा है, लेकिन एक साल अगर रखते हो दो साल रखते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। डिलीवरी की बात करें तो अभी देख लो आज 10:30 के करीब हुआ है, 76 लाख की डिलीवरी ट्रेड हुई है। लास्ट ट्रेडिंग चेतर था ना 7 करोड़ का माल उठाया, फिर 7 करोड़ 14 करोड़ देखो माल है जो डिलीवरी है काफ़ी सारी उठा रहे हैं लोग। कमेंट्री सेंटीमेंटल देख सकते हो 100% भाई, मतलब एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो बोल रहा हो सेल कर दे। तो जो न्यूज़ आई है इसमें एक धमाकेदार न्यूज़ निकल के आई है क्वार्टर के रिजल्ट की समिति। उस न्यूज़ पर जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना है, बगल का बेल आइकन भी दबा देना है। तो हम वीडियो पर चलती हैं। एक बार इसके प्रमोटर जो है ब्लैक डील देख लो, ब्लैक डील इसमें 5 रुपये में हुई हुई है, 1 अक्टूबर में ही हुई है देख लो, 11 अक्टूबर में हुई है 5 रुपये 59 पैसे। अभी तो ये इस ब्लैक डील से भी लो प्राइस में मिल रहा है, मतलब 4 रुपये 80 पैसे मिल रहा है। प्रमोटर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आ जाती हैं। DIO के पास में देख लो 29% हिस्सेदारी है, प्रमोटर के पास 26 में और 43 पब्लिक के पास में। वो देखो इस जो कंपनी है इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो 87% शेयर है इसका प्लीज है दोस्तों, हाँ यही है। और देखो जो अब देख लो यहाँ पे देख सकते हो 6 तारीख को ही इसमें PDF आई है, कंपनी ने बोर्ड मीटिंग का अलाउंस घोषित कर दिया है रिजल्ट के बारे में सक्सेस करेंगे। तो हम इस PDF पर हैं चलते हैं। तो आप देख सकते हो ये कि PDF पर हम चलते हैं और ये आप देख सकते हो आपके सामने है जयप्रकाश 6 नवंबर। सब्जेक्ट देख सकते हो सब्जेक्ट में क्या है, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग ये आप देख लो 13 तारीख को बोर्ड मीटिंग करेंगे ये लोग। 13 तारीख को ही इसका नवंबर 13 तारीख को क्वार्टर का रिजल्ट है जो फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा 13 तारीख को। तो अब सब कुछ जो है जो 13 तारीख पर डिपेंड करता है कि 13 तारीख में इसका क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आएगा। देखो पावर का जो पावर वाले स्टॉक है ना अभी उनका जो भी क्वार्टर का रिजल्ट आया ना वो थोड़ा नेगेटिव आया है, तो इसमें भी हो सकता है नेगेटिव आ जाए। तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत है नहीं, अगर आप पहले से ये शेयर है तो होल्ड करिए आप, 2025 से 2026 का इसको टाइम दीजिए, आपके पैसे में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसको क्या है थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 2025 कम से कम 2025 तो मानो ही आप 26 नहीं तो 2025 तक तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा क्या है प्रॉफिट मिल पाएगा। और अगर इसका देखो क्वार्टर का 13 को रिजल्ट आ रहा है उस पर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्रेश एंट्री अगर आप कर सकते हो तो थोड़ा सा 100-200-500 आप लगा सकते हो, लेकिन एक बार क्वार्टर का रिजल्ट आ जाए तो फिर हम और डिग्रेल हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। क्वार्टर तक आप वेट कर सकते हो 13 तारीख तक, 13 तारीख को अगर रिजल्ट अच्छा है तो बाई कर लेना, रिजल्ट थोड़ा खराब आता है तो थोड़ा शेयर और नीचे जा सकता है तो वहाँ पर आप बाई कर लो। जिसके पास में ये शेयर पहले से है तो देखो लॉस में तो बिल्कुल आपको सेल करना नहीं है, और आप अगर ऊपर के लेवल से हो तो आप एवरेज कर सकते हो, वरना आप होल्ड रखिए 2025 तक आप इसको होल्ड कर लेते हो ना तो आपके पैसे मल्टीपल से भी ज़्यादा मल्टीपल हो जाएंगे, ये 100% है। क्योंकि देखो आप पावर वाली क्षेत्र वो भी चलेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम है ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी का, ऐसे तो पावर सेक्टर का जो भी देखो टाटा पावर है और अदानी ग्रीन पावर सबका जो भी पावर वाला क्षेत्र है ना उनका जो भी Q2 का रिजल्ट आया ना वो नेगेटिव आया था, तो इसका भी हो सकता है देखो नेगेटिव आए, लेकिन फिर भी आपको पैनिक नहीं होना है ना डरना है कि अगर नेगेटिव आता है तो। शेयर कंपनी अच्छी है, बस शेयर में देखो है थोड़ा जो प्लीज इसका शेयर रखा हुआ है जो प्लीज है बहुत सारा कि 87% इसका प्लीज शेयर है तो वो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि आज आप बाई कर लो कल आपके पैसे परसों आपके पैसे डबल हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, वो है अगर आप ऐसे सोच रखे इस शेयर को बाई करते हो तो बिल्कुल बाई नहीं करना है। ट्रेडिंग के पर्पज से अगर इसे बाई करते हो तो बिल्कुल आपको बाई नहीं करना। हाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 2 से 5 साल देना चाहते हो 2025 तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, इतनी कैपेसिटी है आप में कि 2025 तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, तभी आप इस शेयर को हाथ लगाना है और तभी आपको ये बाई करना है। क्योंकि 2025 से पहले अच्छा खासा आपको रिटर्न नहीं दे पाएगा तो कोई मतलब भी नहीं है। अगर आप इतनी कैपेसिटी है तो 2025 तक होल्ड करो, फिर देखो आपके पैसे कितने ज़्यादा गुना हो जाएगा, आराम से 1000 गुना आपका पैसा आराम से हो जाए, तो एक अच्छा खासा मोटी रकम आप इस शेयर से कमा सकते हो। लेकिन पेशेंस आपको रखना होगा और कैपेसिटी होनी चाहिए होल्ड करने की, भैया 3 से 4 साल आपको होल्ड करना ही पड़ेगा इस शेयर में तभी आप अच्छा खासा लगे। तो देखो मेरी राय यही है, अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो एक बार 13 तारीख तक आप रुक जाओ, क्वार्टर का रिजल्ट देख लेते, वो भी मैं आपको इसी चैनल पर बता दूंगा चावला स्टॉक मार्केट पर, तो जुड़े रहना है क्या आया कैसा क्या आया। और जिसके पास में है तो जरूर मैं उनको कहूँगा भाइयों को कि होल्ड करिए, आपको 2025 तक होल्ड करो, आँख बीन के आँख बंद करके किसी पोर्टफोलियो के किसी कोने में रहने दो, फिर देखना आपको कितना क्या रिटर्न मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मॉर्निंग का वीडियो था और मैं शाम को और बता दूंगा। थैंक यू चावला स्टॉक मार्केट से जुड़ने।